जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे आसपास की दुनिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव को नजरअंदाज करना इम्पॉसिबल है। रिपीटेटिव मैनुअल वर्क से लेकर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट करने तक AI हमारे जीने और काम करने के तरीके में एक क्रांति ला रहा है, खास करके फाइनेंशियल सर्विसेज में, जहां AI ने कई सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज को ओपन किया है और जिस तरह से हम अपने पैसे को मैनेज करते हैं उसे बदल रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि फाइनेंस और AI का फ्यूचर कैसा दिखता है, लेकिन उसके पहले एक बार AI की हिस्ट्री पर नजर डाल लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया शब्द नहीं है और रिसर्चर्स के लिए कोई नई तकनीक नहीं है। यह टेक्नोलॉजी आपकी कल्पना से कहीं अधिक पुरानी है। एंशियंट टाइम में कुछ इन्वेंटर्स ने ऑटोमेटन्स नामक चीज बनाई जो मैकेनिकल थी और ह्यूमंस के इंटरवेंशन के बिना ही चलती थी। ऑटोमेटन्स वर्ड एंशियंट ग्रीक से आया है और इसका अर्थ है अपनी मर्जी से काम करना। सबसे पुराना रेफरेंस जहां ऑटोमेटन्स के बारे में सुनने को मिलता है वो 400 BC से आता है, जब प्लाटो के एक मित्र ने मैकेनिकल पिजन बनाया था। सबसे फेमस ऑटोमेटन्स कई वर्षों बाद लियोनार्डो द विंची द्वारा वर्ष 1495 के आसपास बनाया गया था। एंशियंट हिस्ट्री में ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जो ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन ऑटोमेशन 1950 के बाद वास्तव में पॉपुलर होना शुरू हुआ। हमारे पास साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर की एक जनरेशन थी जिनके दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट ऑलरेडी काफी क्लियर था। ऐसे ही एक व्यक्ति थे एलन ट्यूरिंग, एक यंग ब्रिटिश पॉलीमैथ जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज का पता लगाया। ट्यूरिंग ने सुझाव दिया कि ह्यूमंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने और डिसीजन लेने के लिए उपलब्ध जानकारी के साथ साथ उसके कारण का भी उपयोग करते हैं, तो मशीन वही काम क्यों नहीं कर सकती। यह उनके 1950 में पब्लिश एक रिसर्च पेपर कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस का लॉजिकल फ्रेमवर्क था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंटेलिजेंट मशीन्स का निर्माण किया जाए और उनकी इंटेलिजेंसी को कैसे टेस्ट किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रैपिड डेवलपमेंट के मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे तेजी से बड़े मात्रा में डेटा कलेक्ट करने और उसकी एनालिसिस करने की कैपेसिटी। दूसरा रीजन है ऑटोमेटेड सिस्टम्स की डिमांड, जो रिस्की और टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज को कम समय में बिना किसी एरर के पूरा कर पाए। साथ ही इंटरनेट के विकास और भारी मात्रा में डिजिटल डेटा की पहुंच के कारण AI के लिए अब वास्तविक दुनिया के मुद्दों को हल करने का अधिक अवसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है इंटेलिजेंट मशीन्स, जो ऐसे काम कर सके जिसको करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत हो, जैसे विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। AI मोटे तौर पे दो टाइप के होते हैं, नैरो AI और जनरल AI। नैरो AI, जिसे वीक AI के रूप में भी जाना जाता है, किसी एक स्पेसिफिक काम को हाई एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, जैसे फ्रॉड को डिटेक्ट करना, क्रेडिट स्कोरिंग करना और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना। जनरल AI, जिसे स्ट्रॉन्ग AI के रूप में भी जाना जाता है, इसे ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया है जो एक इंसान कर सकता है। AI का यूज फाइनेंस में बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है। टेलीग्राफ सिस्टम का कंसेप्ट तभी नया ही था जब वेस्टर्न यूनियन ने 19th सेंचुरी में मनी ट्रांसफर सर्विस स्टार्ट की। बैंकिंग में AI का उपयोग 1987 में शुरू हुआ, जब सिक्योरिटी पैसिफिक नेशनल बैंक ने डेबिट कार्ड के फ्रॉड को रोकने के लिए फ्रॉड प्रिवेंशन टास्क फोर्स लॉन्च किया। बैंक्स AI का यूज ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करने, बुक कीपिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग और प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट जैसे काम के लिए करती हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री के हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। 2002 के सर्बेंस ऑक्सली एक्ट SOX जैसे लेजिस्लेशन के उल्लंघन में पकड़े जाने वाले बैंक्स को भारी पेनाल्टी लगती है, इसलिए जहां संभव हो कॉम्प्लायंस को ऑटोमेट करना बैंक्स और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। डिसीजन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉड डिटेक्शन और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। जैसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपनी सतर्कता बढ़ाते हैं, फ्रॉडस्टर्स अपने फ्रॉड ट्रिक्स को बदल लेते हैं। चूंकि बड़े अमाउंट के लेनदेन को जांच के लिए फ्लैग किया जाता है, इसलिए फ्रॉडस्टर्स ने छोटे अमाउंट्स के फ्रॉड करने शुरू कर दिए।
यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां AI वास्तव में इंसानों से बेहतर है। AI बड़ी मात्रा में डेटा एनालिसिस करता है और संदिग्ध लेन देन का पता लगाता है। इस तरह के लेन देन का मैनुअल एनालिसिस करने से मिस्टेक्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बैंक्स लगातार इन्वेस्टमेंट के सही अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते रहते हैं ताकि अच्छे रिटर्न मिल सके। अच्छे इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट की सही रिकमेंडेशन दे सकते हैं। फिलहाल इन्वेस्टमेंट डिसीजन अभी भी मैनुअल हैंडल किया जाता है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सॉफ्टवेयर इस प्रोसेस को आसान बनाता है और अधिक वेरिएबल्स को एकोमोडेट करके बेटर रिकमेंडेशन देता है। अब बात करते हैं कि AI कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने में क्या रोल प्ले करता है। कस्टमर हमेशा सुविधा की तलाश में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ATM का कंसेप्ट एक सफल प्रयास रहा क्योंकि बैंक बंद होने पर भी लोग एक इम्पोर्टेंट सर्विस का यूज कर सकते थे। इस लेवल के कन्वीनियंस और अधिक इनोवेशन को प्रेरित करते हैं। अब आप सोफे पर बैठकर आराम से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और अपने स्मार्टफोन का यूज करके खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। कम टर्न अराउंड टाइम की तलाश में डिसीजन मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DMS कस्टमर के KYC इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने और मैनुअल एरर को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा न्यू प्रोडक्ट्स और सीजनल ऑफर्स लोगों तक टाइम पे पहुंचाए जाते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने और रिपीटेटिव वर्क को ऑटोमेट करने में NLP और चैटबॉट ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल, चैटबॉट का यूज अकाउंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने, क्वेरी रिजोल्यूशन और यहाँ तक कि लेन देन के लिए भी किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह अनुमान लगाया गया है कि चैटबॉट कस्टमर सर्विस की कॉस्ट पर बैंकों को 30% तक बचा सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री अभी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है जो कि AI और लेटेस्ट डेटा ट्रेंड्स पर आधारित है। द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इन्वेस्टमेंट बैंक्स NLP और मशीन लर्निंग सहित अधिकांश AI एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करने में सबसे आगे हैं, जबकि रिटेल बैंकिंग प्रेडिक्टिव एनालिसिस के इम्प्लीमेंटेशन में 71% के साथ सबसे ऊपर है, जो डेटा साइंस के महत्वपूर्ण उपयोग को कस्टमर सर्विस और उनके रिटेंशन को दर्शाता है। कुल मिलाकर बड़े बैंक्स जिनमें 5,000 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ AI का पेनिट्रेशन ज्यादा है। छोटे बैंक्स में AI का इम्प्लीमेंटेशन तकरीबन 50% ही है। इससे ये पता चलता है कि बड़े बैंक्स अपने पुराने लेगेसी सिस्टम को चेंज करने में कितने सक्षम हैं। ऐसी कंपनीज जो अभी AI यूज कर रही हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कॉस्ट, जो कि तकरीबन 40% हो सकता है। AI को और बड़े लेवल पे अडॉप्ट करने में दी इकोनॉमिस्ट के एक रिसर्च के अनुसार 86% कंपनीज अगले 5 साल में AI के इम्प्लीमेंटेशन पर होने वाले इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं। इनमें से सबसे आगे APAC और नॉर्थ अमेरिका की कंपनीज हैं। बैंकिंग में कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए AI टेक्नोलॉजी के इतने स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के बावजूद इसमें अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कस्टमर डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। बैंक्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका चैट इंटरफेस और सेंसिटिव डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।